बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर नंबर 2 के नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं। तो आज हमारे पास है फ्लूटेड फिल्टर पेपर और दूसरा है गुड्स क्रूसिबल। क्योंकि जिस तरह हम फिल्ट्रेशन से जो है फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर पे आते हैं, फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर से फिर हम जो है यहाँ पे फ्लूटेड फिल्टर पेपर पे आते हैं, फ्लूटेड फिल्टर पेपर के बाद हम गुड्स क्रूसिबल और गुड्स क्रूसिबल से हम मूव करते हैं सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। जैसे जैसे आप फर्दर फिल्ट्रेशन की नई नई मॉडिफिकेशन टाइप पे आते हैं तो आपके पास यहाँ पे जो स्पीड ऑफ फिल्ट्रेशन है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब यहाँ पे जो फ्लूटेड फिल्टर पेपर है उसका जो यहाँ पे फायदा है वो हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही फायदा है, उससे हम क्विक फिल्ट्रेशन, रैपिड फिल्ट्रेशन या फास्ट फिल्ट्रेशन जो है यहाँ पे परफॉर्म करवा सकते हैं। क्योंकि इस फ्लूटेड फिल्टर पेपर की शेप कुछ यूं है कि आपके पास जिस तरह अप्स एंड डाउन्स बने होते हैं, कहते हैं इस तरह जब हम फोल्डर पेपर जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर होता है उसको हम क्या करते हैं, फोल्ड करते हैं और उसकी स्ट्रक्चर फैन लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। जब हम फैन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपके पास कुछ अप्स और कुछ डाउन बनते हैं, यानी कुछ आपके पास एलिवेशन बनते हैं और कुछ आपके पास जो है यहाँ पे डिप्रेशन बनते हैं। तो कहता है एलिवेशन और डिप्रेशन से आपके पास क्या होता है, यहाँ पे उसका जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है। तो सरफेस एरिया बढ़ने से आपके पास जो उसकी फिल्ट्रेशन है वो भी क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है, क्विक हो जाती है, रैपिडली हो जाती है। यहाँ पे एक MCQ आता है के जो फ्लूटेड फिल्टर पेपर है उसमें फिल्ट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है, क्या उससे आपके पास जो है सरफेस एरिया बढ़ता है? जी श्योर बात है कि आपके पास यहाँ पे उसका सरफेस एरिया बढ़ने से उसकी फिल्ट्रेशन क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है, क्विक हो जाती है। फिर फर्ज आपके पास ये पॉइंट है और यहां से इस तरफ आए, जैसे ही आपके पास जिस चीज को आप फिल्टर करना चाह रहे हो वो यहां से क्या होगा, पास आउट होगा। अब इसकी यहां पे क्या हो गया, सरफेस एरिया बढ़ गया। अब सरफेस एरिया बढ़ने से यहां पे क्या हुआ कि आपके पास सारे का सारा जो फिल्टर पेपर है उसके जरिए से यहां पे फिल्ट्रेशन जो है वो क्विक हुई। इसका फायदा और ये क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो डिप्रेशन है और एलिवेशन है उनकी वजह से इसकी फिल्ट्रेशन क्या हो गई, फास्ट हो गई। आप किसी शॉपिंग मॉल पे जाते हैं, किसी भी प्लाजे में जाते हैं या कहीं भी आप मूव करते हैं, तो जब आप फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे जाते हैं तो वहां पे सीढ़ियां या आपके पास जो लिफ्ट लगी होती है उसके जरिए से जाते हैं, तो उसके साइड पे आपने कभी पढ़ा होगा एलिवेट या एलिवेटर। ठीक है, अब एलिवेटर या एलिवेट जो है उससे मुराद ये है नीचे से ऊपर की तरफ जाना। तो अगर हम यहां पर देखें तो ये जो ऊपर वाला किनारा है वो आपके पास कहलाता है यहाँ पे एलिवेशन, और जो नीचे वाला आपके पास किनारा है ये वाला वो आपके पास कहलाता है यहाँ पे डिप्रेशन। तो जब कोई बंदा टेंशन में हो तो टेंशन में क्या कहता है, मैं डिप्रेस हूं, तो डिप्रेस मीन आपके पास डाउन होना यहाँ पे, तो ये आपके पास क्या हो गया, डिप्रेशन आपके पास कहलाए। तो एलिवेशन और डिप्रेशन की वजह से आपके पास जो यहाँ पे उसकी फिल्ट्रेशन है वो क्या होती है, क्विक होती है, फास्ट होती है, रैपिड होती है। तो फोल्डिंग ऑफ फिल्टर पेपर के बाद जिसकी यहाँ पे सबसे फास्ट फिल्ट्रेशन है वो है फ्लूटेड फिल्टर पेपर, और फ्लूटेड फिल्टर पेपर के बाद आपकी जो सबसे फास्ट फिल्ट्रेशन है गुड्स क्रूसिबल, और उसके बाद जो फास्ट फिल्ट्रेशन है वो है सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल की, आपके पास फास्ट फिल्ट्रेशन होती है। अब हम नेक्स्ट को देखते हैं जिसमें आपने कहा कि ये क्या है, गुड्स क्रूसिबल है। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए जो गुड्स क्रूसिबल है उसका नाम किस बेस पे है। अब जो गुड्स क्रूसिबल है उसका नाम है साइंटिस्ट के नाम के ऊपर, साइंटिस्ट का नाम था गुड्स, ठीक है, उसी नाम की मुनासबत पे हमने जो है यहां पे उसका नाम क्या रखा, गुड्स क्रूसिबल। अब पहला जो मेथड है फ्लूटेड फिल्टर पेपर उसमें हमेशा फिल्टर पेपर यूज होता है, और क्रूसिबल में ऐसा अपरेटस जो फिल्टर पेपर जिसके अंदर यूज होता है,
ठीक है। तो कहता है ये इसकी हमने जब भी गूज क्रूसिबल पढ़ना है तो कंपोजिशन का हमें पता होना चाहिए। हमेशा ये चीनी का बना हुआ है, जिस तरह घरों में बर्तन है चीनी के बने हुए, सेम उसी तरह ये प्रोसलेन यानी चीनी का बना होता है और उसी की मुनासबत से इसकी आपके पास कंपोजिशन आती है। अब आपके पास कहते हैं सबसे पहले इसकी जो कंपोजिशन है कि ये किसका बना होता है, प्रोसलेन का बना होता है। इसके बॉटम में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। इसके पेंदे में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। और उसी के ऊपर आप क्या करते हैं, फिल्टर पेपर रखते हो, जिससे आप यहां पे क्या कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन की जा सकती है। ठीक है, तो ये गूज क्रूसिबल फिल्ट्रेशन कहलाएगा। अब उसके बाद कहते हैं रैपिड फिल्ट्रेशन। तेज तेज फिल्ट्रेशन करने के लिए आप क्या करते हो, इस क्रूसिबल को जिसका नाम है गूज क्रूसिबल, इसको फ्लास्क के ऊपर लगाते हो और फ्लास्क की एक साइड पे आप लगा देते हो सक्शन पंप। तो सक्शन पंप क्या करता है, ये सक्शन पंप है, ये क्या करेगा, इसके जितने भी पोर्स से आने वाले जो वेपर्स हैं वो सबको क्या करेगा, सक करेगा और सक करके इसके नीचे यहां पे क्या कर देगा, बिठा देगा। जिससे हमें इसका फायदा ये है कि सक्शन पंप है तो सक्शन पंप की वजह से आप क्या कर सकते हैं, यहां पे इसको जल्दी जल्दी जो है फिल्टर किया जा सकता है। तो ये आपके पास आ गया रैपिड फिल्ट्रेशन का प्रोसेस। तो रैपिड फिल्ट्रेशन कैसे होती है, ड्यू टू यूज ऑफ दिस सेपरेटर्स सक्शन फिल्टरिंग पंप। उसके बाद कहते हैं फिल्ट्रेशन ऑफ रिएक्टिव मीडियम, जो रिएक्ट करते हैं ऐसे चीजें या ऐसे एसिड, जब हम उनको जो है प्यूरिफाई करते हैं, उनमें से इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को निकालते हैं, तो कुछ ऐसे हैं जो रिएक्ट करते हैं, जब रिएक्ट करते हैं तो फिल्टर पेपर को क्या करते हैं, जला देते हैं। अब फिल्टर पेपर को जलाने की सूरत में आपके पास क्या होता है, कहते सबसे पहले क्या है, HCl है कंसंट्रेटेड और KMnO4 का सोल्यूशन है। जब आप उसको क्या करते हो, इसमें से पास आउट करते हो, इसमें से क्या करते हो, गुजारते हो। जब इसमें से गुजारा तो HCl और KMnO4 ने क्या किया, वहां पे रिएक्ट किया और ये फिल्टर पेपर क्या हो गया, यहां पे जल गया। अब इसकी जगह पे आप एक फिल्टर पेपर यूज करते हो जिसका नाम है एस्बेस्टास मैट। अब एस्बेस्टास मैट जो है उसका काम ये है कि वो क्या करता है, बगैर किसी रिएक्शन के HCl और KMnO4 बगैर किसी रिएक्शन के यहां पे क्या होता है, उसके साथ रिएक्शन देता है। अब उसी रिएक्शन की बिना पे आप कह सकते हो कि ये जो एस्बेस्टास मैट है ये यहां पे HCl और KMnO4 के फिल्टर पेपर के साथ रिएक्शन होने को रोक सकता है, यानी कि हम HCl और KMnO4 को यहां पे क्या कर सकते हैं, प्यूरिफाई किया जा सकता है। तो यहां पे आपने आज जो पढ़ा फ्लूटेड फिल्टर पेपर, वो किस लिए यूज होता है, फास्ट फिल्ट्रेशन के लिए। गूज क्रूसिबल भी क्या है, क्विक फिल्ट्रेशन यानी कि रैपिड फिल्ट्रेशन, फास्ट फिल्ट्रेशन के लिए। तो जैसे जैसे मॉडिफाइड फॉर्म आती जाएंगे फिल्ट्रेशन की, वैसे वैसे क्या होगा, आपके पास फिल्ट्रेशन की स्पीड अप हो जाएगी, बूस्ट अप हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आज हमने पढ़ा फ्लूटेड फिल्टर पेपर और गूज क्रूसिबल। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।